120 साला बूढ़े के बताए हुए टोटके, तकिए के नीचे साबुन रखने से दिमाग तेज होता है, इलायची चुबाने से ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है, उबला आलू नाखून पर लगाने से नाखून बढ़ते नहीं, स्याह शहतूत खाने से बाल स्याह रहते हैं, सुर्ख फालसा खाने से मैदा ठंडा रहता है, अनार खाने से जिगर खून ज़्यादा बनाता है, खजूर दूध के साथ खाने से दिल बूढ़ा नहीं होता, रात को अदरक खाने से पेट बाहर नहीं निकलता, इमली का शरबत पीने से गर्मी नहीं लगती, गन्ने का रस पीने से नींद अच्छी आती है, प्याज खाने से मैदा ख़राब नहीं होता, फीका खरबूजा खाओ कभी कब्ज नहीं होगी, मीठा तरबूज खाने से कभी शुगर नहीं होती, चीनी के बाद गुड़ चखने से शुगर नहीं होती, सब्ज चाय में गुड़ डालकर पीने से 90 साल तक चेहरे पर झुर्रियाँ नहीं आती, जल्द दुबला होना चाहते हो तो लीमू वाला शरबत पियो, जल्द मोटा होना है तो चावल के ऊपर से पानी पियो, सुर्ख होना है तो चुकंदर का फल ज़्यादा खाया करो, जल्द नरम करनी है तो रात को मक्खन खाया करो, सब्ज सेब खाने से ब्लड कैंसर नहीं होता, कच्चे फाल से खाने से बंदे को लकवा नहीं होता, कच्ची लस्सी पीने से मिर्गी की बीमारी नहीं होती, शाने खुदा आम खाने से दिल की नालियां खुल जाती हैं, कलेजी खाने से खून में बेहद इजाफा होता है, भुनी हुई कलेजी खाने से बिनाई तेज़ होती है, बकरे की चर्बी का तेल बदन पर लगाने से बदन की जिल्द नरम और सफ़ेद होना शुरू हो जाती है।